हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय पापा जब बच्चे थे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरा करो। पहला, शुरू शुरू में पापा डैश बनना चाहते थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चौकीदार। दूसरा, वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी डैश भी खा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आइसक्रीम। तीसरा, बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बे की डैश करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे संटिंग। चौथा, पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा डैश बनना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे इंसान। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, पापा शुरू शुरू में क्या बनना चाहते थे, तो इसका उत्तर लिखेंगे पापा शुरू शुरू में चौकीदार बनना चाहते थे। दूसरा, चटकदार हरे रंग के ठेले को देखकर पापा क्या बनना चाहते थे, तो यहाँ पर लिखेंगे आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। तीसरा, शंटिंग किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा यात्रा पूरी करने के बाद साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। चौथा, अंत में पापा क्या बनना चाहते थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंत में वो इंसान बनना चाहते थे। पांचवा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ, इस बार कोई भी नहीं हंसा, क्यों चर्चा करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि इस बार उनका जवाब एकदम सही था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। छठा, आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों। तो बच्चों, यहाँ पर आप लिखेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ, मैं एक पुलिस अफसर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने देश को अपराध मुक्त बनाना चाहता हूँ। प्रश्न 3, आओ जाने। क, पापा के पापा, यहाँ लिखेंगे दादाजी। ख, पापा की बहन बुआ जी। ग, माता की माता नानी जी। घ, माता की बहन मौसी जी। ड, पिता का बड़ा भाई ताऊ जी। च, पापा की माता, तो यहाँ लिखेंगे दादी जी। छ, माता के पिता नाना जी। ज, माता का भाई मामा जी। पिता का छोटा भाई चाचा जी। बहन का पति जीजा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, दार लगाकर नए शब्द बनाओ। क, चौकी जमादार बराबर चौकीदार। ख, चमक जमादार चमकदार। ग, पहरे जमादार पहरेदार। घ, मजे जमादार मजेदार। ड, हवा जमादार हवादार। च, चटक जमादार चटकदार। चलिए पांचवा प्रश्न करते हैं। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं, इन्होंने हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी है। किसी एक महापुरुष की प्रेरणा देने वाली घटना या बातों को किसी पत्रिका, किसी पुस्तक अथवा YouTube से पढ़कर लिखिए और चर्चा कीजिए। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर एक महापुरुष जिनका नाम महात्मा गांधी है के बारे में लिख रहा हूँ। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। गांधी जी सदैव सच बोलते थे। एक बार उनके पास एक महिला अपने पुत्र को लेकर आई और बोली कि बापू, इसे कुछ समझाओ, यह बहुत गुड़ खाता है और गुड़ खाने से इसके दांत खराब हो रहे हैं। इस पर गांधी जी ने कहा कि तुम 4 हफ्ते बाद आना। महिला 4 हफ्ते बाद पुनः उनके पास पहुंची, अपनी बात दोहराई। इस पर बापू ने कहा कि बेटा, ज़्यादा गुड़ खाना अच्छी आदत नहीं है, अतः इसे छोड़ दो। तो इस पर महिला ने कहा कि यह बात आप 4 हफ्ते पहले भी कह सकते थे। तो बापू ने कहा, 4 हफ्ते पहले मुझे भी ज़्यादा गुड़ खाने की ये गंदी आदत थी, अतः पहले मैंने अपनी आदत छोड़ी, फिर 4 हफ्ते बाद तुम्हारे पुत्र को गंदी आदत छोड़ने के लिए कहा।
जो चीज़ मैं स्वयं करता हूँ उसे दूसरे को करने के लिए भला कैसे मना कर सकता था, इसीलिए तुम्हें 4 हफ्ते बाद आने को कहा। तो बच्चों, हमें इस घटना से शिक्षा मिलती है कि हमें सच बोलना चाहिए तथा बुरी आदतों को पहले स्वयं तथा फिर दूसरों को भी छोड़ने के लिए कहना चाहिए। यहाँ मैंने गांधी जी के बारे में लिखा है, आप अपनी पसंद के किसी अन्य महापुरुष के बारे में भी कोई घटना लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं, छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे, आप अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे, सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता, उन्हें जो भी अवसर मिलता है वो उसे भुना लेते हैं। खाद्य रंग बैंगनी नीला। बैंगनी नीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए जामुन, अंगूर, बैंगन, प्याज आदि। परिवार के साथ समय खेल, तंबोला, व्यापार। दिन की गतिविधि अग्निहीन खाना बनाना। अपनी माँ की मदद से फ्रूट चाट, अंकुरित अनाज, भेलपूरी आदि बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें। अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, ये कुछ अच्छी आदतें हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि, राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों से जनगणमन लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर जो गतिविधि की जाएगी उसमें आप राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों से जनगणमन अर्थात हमारा राष्ट्रगान 3 रंगों से लिखेंगे। ऊपरी हिस्सा केसरिया, बीच का हिस्सा सफ़ेद और नीचे का हिस्सा हरा कलर करके आप जनगणमन लिखेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।